नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम। जी हां, पेश है राजस्थान की दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। सबसे पहले रुक कर लेते हैं राजस्थान की सबसे बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें कि राजस्थान में 147 करोड़ रुपए की गड़बड़ी हुई है। किसान सम्मान निधि योजना को लेकर बड़ी खबर आ चुकी है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार की किसानों को हर साल 6,000 रुपए देने की किसान सम्मान निधि स्कीम में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। जांच में ये पाया गया है कि राजस्थान में कई इनकम टैक्स देने वाले सरकारी कर्मचारी, पेंशन लेने वाले और लाखों कमाने वालों ने भी साधारण किसानों की योजना का पैसा ले लिया है। गलत तरीके से पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा लेने वालों से अब वसूली वापस हो जाएगी। राजस्थान में अब तक 218,937 ऐसे लोग सामने आए हैं जिन्होंने पात्र नहीं होते हुए भी किसान निधि योजना के 6,000 रुपए ले लिए हैं। अब तक केंद्र सरकार ऐसे अपात्र लोगों को 147 करोड़ रुपए भी दे चुकी है। वहीं अगली बड़ी लेटेस्ट खबर की बात करें तो आपको बता दें कि गहलोत को मनाने में जुटा आलाकमान। पायलट के गुट से तीन मंत्री बनाने पर मुख्यमंत्री की जिद, तीनों उनकी पसंद से सुने जाएंगे। आलाकमान भी गहलोत को नाराज करने की स्थिति में नहीं है। प्रदेश में कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति इन दिनों चरम पर है। मंत्रिमंडल का विस्तार होना तय है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि मंत्री पद किसे दिया जाए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सचिन खेमे के तीन लोगों को अपनी पसंद से ही चयनित करने पर अड़े हुए हैं। इसे लेकर खींचतान बढ़ गई है। उन्हें समझाने के लिए एक के बाद एक कांग्रेस के नेता जयपुर का दौरा कर रहे हैं। दूसरी तरफ गहलोत हैं कि झुकने को बिल्कुल भी तैयार नजर नहीं आ रहे हैं। आलाकमान भी गहलोत को नाराज करने की स्थिति में नहीं है। ऐसे में भी इसका रास्ता निकालने के लिए नए फॉर्मूले इस्तेमाल किए जा रहे हैं। दोस्तों, अगली बड़ी लेटेस्ट खबर की बात करें तो आपको बता दें कि राजस्थान में कोरोना अपडेट को लेकर बड़ी खबर आ चुकी है। 11 नए केस दर्ज हुए हैं। आज 29 जिलों से संक्रमण का एक भी मामला नहीं। राजस्थान में कोरोना के 11 नए केस दर्ज किए गए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में एक भी संक्रमित मरीज की मौत दर्ज नहीं की गई है। बहुत अच्छी बात है। साथ ही 29 जिलों से संक्रमण गायब भी हो चुका है। वहीं अगली बड़ी लेटेस्ट खबर की बात करें तो आपको बता दें कि राजस्थान वेदर अपडेट। राजस्थान के तीन जिलों में अत्यंत भारी बारिश की चेतावनी, रेड अलर्ट भी जारी। राजस्थान में मानसून कहीं मेहरबानी तो कहीं कहर बरपा रहा है। मौसम विभाग ने आगामी 48 घंटों में प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अजमेर, जयपुर, अलवर, करौली, भीलवाड़ा, टोंक, बूंदी, चित्तौड़गढ़ और झालावाड़ सहित भरतपुर, राजसमंद, उदयपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, नागौर और धौलपुर जिलों में एक दो स्थानों पर भारी बारिश होने के आसार जताए हैं। मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा के अनुसार आगामी 48 घंटों में प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। जयपुर में 4 अगस्त तक रेड अलर्ट जारी है। इसके साथ ही इन जिलों में 200 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश होने की संभावना रहेगी। वहीं अगली बड़ी अहम खबर की बात करें तो आपको बता दें कि 100 करोड़ रुपए के फर्जी बिलों से टैक्स चोरी का मास्टरमाइंड दबोचा गया। 6 से अधिक राज्यों में फैला है इसका नेटवर्क। सेंट्रल जीएसटी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 100 करोड़ रुपए के फर्जी बिलों से टैक्स चोरी करने के मामले में मास्टरमाइंड आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी 50 फर्जी फर्मों के जरिए करोड़ों रुपए के टैक्स का सूना लगा चुका है। सीमेंट, लोहा उत्पाद, सरिया, सरसों, कपड़ा और मार्बल के फर्जी बिल जारी करके करोड़ों का टैक्स भी चोरी किया गया है। दोस्तों, अगली बड़ी लेटेस्ट खबर की बात करें तो आपको बता दें कि गहलोत सरकार की लाठी तब पिटती है जब सांप गुजर जाता है। सतीश पूनिया, जो भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष हैं, राज्य के डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि राज्य की गहलोत सरकार लाठी तब पीटती है जब सांप गुजर जाता है। डिजास्टर मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है, लेकिन मुख्यमंत्री गहलोत को अपनी कुर्सी बनसाने की फिक्र ज्यादा है। सतीश पूनिया ने गहलोत सरकार को आड़े हाथों लिया है। वहीं अगली बड़ी अहम खबर की बात करें तो आपको बता दें कि बिना विद्युत खर्च 800 रुपए का स्थायी सुलग जनता की कमर तोड़ेगा। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग के फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। राठौड़ ने कहा है कि जयपुर, जोधपुर, अजमेर डिस्कॉम की ट्रैफिक याचिका पर सुनवाई करते हुए घरेलू उपभोक्ताओं से कनेक्शन लोड यानी बिजली बिल जलाए बिना 800 रुपए प्रति माह तक स्थायी शुल्क लग गया है। इसको लेकर नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने राजस्थान की गहलोत सरकार को आड़े हाथों लिया है। ये थी आज की दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। मिलते हैं कल की तमाम बड़ी खबरों के साथ। तब तक बने रहो आपके और अपने चैनल द सुगम के साथ।